ठीक ठाक साहब, आप सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं और आपने वॉल्यूम 10 की वहां पे बात की कि इसे खोला जाए, आप जी मैंने कहा वॉल्यूम 10 को इसलिए कि शरीफ फैमिली धरती माँ को लूट के सारी दुनिया में उन्होंने अपनी जायदादें बनाई हैं। और आपने देखा कि ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो वर्ल्ड ओवर थे, जो पानामा लीक आई थी, उसमें कोई पाकिस्तानी बंदे नहीं थे जिन्होंने ये तफ्तीश करके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए थे पानामा लीक में। और उसके बाद जो है खुद हुकूमत पाकिस्तान और नैब ने ये जो आज ब्रॉडशीट कंपनी जिसकी तरफ से मैं आज वकील था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने फिर एंगेज किया था 2000 में और उनको कहा था कि आप सारी दुनिया में इनकी शरीफ फैमिलीज़ की जो है जायदादों की निशानदेही करें। उन्होंने सारे दुनिया से निशानदेही करके दी थी और 10 वॉल्यूम को इन्होंने जो है सील कर दिया था। और सर एंथनी जो एवंस था, रिटायर्ड जज बरतानिया का, वो सोल आर्बिट्रेटर था और उसने पाकिस्तान उनके नैब के ख़िलाफ़ एक वर्डिक्ट दिया था, क्योंकि श्री जो मुशरफ था उसने तो नवाज शरीफ से राजीनामा करके फैमिली सारी को जो है केस बंद करके भेज दिया था। ये होता है NRO। और उसके बाद जो है वो सऊदी अरब में भेज दिया था और बंद कर दिया नैब उसका इंक्वायरी और यकतरफा मनसूख कर दी ब्रॉडशीट की मुआहदे को। तो वो बताजे वो अपना सर एंथनी एवंस ने कहा कि आप कैसे कर सकते हो, लूटी हुई दौलत जो है आपका काम है एसेट रिकवरी का, और एसेट रिकवरी की बजाय आप उनको जो है चोरों को डाकुओं को आप जो है उनको ख़त्म करके उनको आपने सऊदी अरब शाही महल में भेज दिया, सरूर महल में भेज दिया, तो हम तो नहीं मानते इसको। और उन्होंने जो है वो मुआहदा जो मनसूख किया था उसको ख़त्म कर दिया। और फिर ये नैब गई उधर लंदन की हाई कोर्ट में, बरतानिया की हाई कोर्ट ने ना सिर्फ खारिज की अपील जो है नैब की, बल्कि उस पर उल्टा जुर्माना भी आयद किया। तो आप हमने आज यही कहा कि जी वो 10वें वॉल्यूम में जो भी प्रॉपर्टीज़ जो है इनकी शरीफ फैमिलीज़ की दुनिया में जो अनअर्थ हुई हैं उसकी पाकिस्तान की आवाम को भी आगही होनी चाहिए, क्योंकि 80% वो पाकिस्तानी आवाम को मिलना था पैसा, वो क्यों कर सील किया हुआ है, किस चीज़ की जो है उसको पिन्हा, किस चीज़ को जो है छुपाने के लिए कोशिश काविश की गई है, तो दीजिएगा बाहर का। ये हमने सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में भी बताई कि पाकिस्तान के आवाम का हक में इसको ओपन क्यों नहीं करते थे। देखिए हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि आपने बुनियादी हकूक का तहफ़ करना है, आपने पाकिस्तान की मिल्कियत और दौलत का तहफ़ करना है, आप ही से तवक्को हैं। पहले भी जब आपने ये फैसला दिया था पानामा लीक वाला, उसमें आपने लिखा था कि इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है, और उसमें आपने लिखा था नैब भी इनके साथ मिली हुई है, FBR भी मिली हुई है, SECP भी मिली हुई है, कोई इदारा शरीफ फैमिली के खिलाफ प्रोसीड करने को तैयार नहीं है। तो हाई कोर्ट ने टेकअप किया, सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया था, अब भी आज भी वही कैफियत है सभी चीज़ों पर जो है इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है, हत्ता कि आइन को भी। तो मैंने यही कहा था कि आप आइन की पासदारी कीजिएगा, आवाम को उनके बुनियादी हकूक फराहम कीजिएगा, दुनिया पाकिस्तान की 25.5 करोड़ लोग आप ही की तरफ देख रहे हैं, मेहरबानी करें आप पाकिस्तान के आवाम को उनका हक दिलाएं। अच्छा खुदा साहब, अभी भी 25 करोड़ आवाम गिरफ्तार हुए हैं, आप उन क्या समझ रहे हैं? वैसे तो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हुआ है इस मुल्क में, आवाम भी जो है वो एक बड़े घुटन के माहौल में गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है और इन्हीं अदालतों से हमें तवक्को है कि इंशाल्लाह बुनियादी हकूक आवाम के जो है वो बहाल होंगे और आइन की बालादस्ती होगी और कानून के मुताबिक। चीफ जस्टिस साहब की तबीयत ना ख़राब हो जाए सर, आज अल्लाह करम करे। सर उनकी रिहाई तो मुमकिन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि दीगर केसेस में उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया है, तो देख लेंगे। हमने हमेशा कानून का रास्ता लिया है और अभी अंधा नहीं है इतना भी, और अदालतें इतनी बेबस भी नहीं है, इंशाल्लाह हमें तो है बाला अदालतों से कम।